हेलो स्टूडेंट, विद्यालक्ष्मी कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं विजय कुमार मंडल। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 लेकर आई हैं, जो कि एक नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहले देखिए, आपको निकालना है कि शांत है या अशांत है, जो कि एक नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 13/31/25। तो देखिए, ये भिन्न के रूप में है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो शांत और अशांत क्या करेंगे, यानी हरों का, हर का देखेंगे। अगर कोई 2 का पावर m है तो वह शांत है, अगर कोई 5 का पावर m है तो पर भी वह शांत है, या 2 का पावर m गुने 5 का पावर m है तो पर भी वो शांत है, या 3 × 2 का पावर m × 5 का पावर m है तो वो अशांत है। क्योंकि देखिए, 2 का पावर m और 5 का पावर m तो है, लेकिन उसके साथ 3 दे रखे है या फिर 7 दे रखेगा और कुछ हो सकते हैं, तो वो अशांत हो जाएंगे। ठीक, देखिए इसका हरों का परिमेयकरण करते हैं। ये तो लास्ट में विषम है, 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से 3 10 30 3 से भी नहीं चलेंगे, 5 से 5 6 30। अगर 31 में 30 चला गया तो 1 बचा 12 हो गया, तो 5 2 10, फिर 12 में 10 चला गया 2 बचा, तो 5 5 25, फिर 5 से चलाइए, 5 1 5 1 बचा, 5 2 10 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 चलाइए, 5 2 10 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5 और तो नहीं चलेगा। तो देखिए क्या आया, 31 25 का 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, यानी देखिए 5 का पावर m के रूप में आया। अतः यह क्या है, अतः यह शांत आवृत्ति है। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 17/8, तो हम लोग हर का करेंगे गुणनखंड के रूप में, 8 का करते हैं, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, 8 का क्या कहा, 2 × 2 × 2, यानी 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर m के रूप में आया, अतः यह शांत आवर्ती है। ओके, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 64/455, तो फिर उसी तरह हरों का गुणनखंड करते हैं, 455 किससे, लास्ट में विषम में 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से 3 1 के 3 3 5 5 से चलाइए, 5 9 45, 5 1 5, फिर अब 7 से 7 से चलाते हैं, 7 1 के 7, 9 में 7 का 2 बच्चा 21 हो गया, 7 3 21, 13 1 13, तो 455 का क्या आया, 5 × 7 × 13। देखिए ये तो किसी का पावर है नहीं, यानी बोलने का मतलब 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप में तो नहीं है, यह तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः यह अशांत आवर्ती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 15/1600, तो फिर उसी तरह हरों का गुणनखंड करते हैं, तो लास्ट में 0 तो 2 से चलेगा, 2 8 16, 2 0, 2 4 8, 2 0, 2 2 4, 2 0, 2 1 2, 2 0, 2 50 100, 2 25 100, 5 5 25, 5 1 5, यानी 1600 का क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 6 बार आया, 5 आया 2 बार, तो हम लोग ये लिख सकते 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2, अथवा यह शांत आवृत्ति है।
फाइव नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 343, तो 343 का चलाइए, 3 से तो नहीं चलेगा, 7 से चलाइए, 4 7 28 आपका 34 में 28 चलागा तो 6 बचा, यानी हो गया 63, तो 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, तो 343 का क्या आया, 7 × 7 × 7 यानी 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 यानी 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप में तो नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। देखिए 6 नंबर है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो देखिए ये तो आपका शांत ही है, इसको और कुछ कैलकुलेट करने का है ही नहीं, तो लिख डालिए अथय शांत आवृत्ति है। फिर बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की बात है, यहाँ देखिए 2 का पावर 10 के रूप में है, 5 का पावर m के रूप में है, लेकिन 7 का पावर है, तो देखिए 7 का पावर अगर होगा तो आपका अशांत हो जाएगा, तो लिखिए तो यह अशांत आवृत्ति है। नंबर क्वेश्चन है 6/15, तो 15 का गुणनखंड कीजिए, 3 5 6 15 और तो नहीं चलेगा, 5 1 5, तो 15 का क्या आया, 3 × 5, ये तो कोई शांत नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। 9 नंबर क्वेश्चन 35/50, फिर 50 का निकालिए, 9 25 50, 5 5 25, 5 1 5, 50 का या 2 × 5 × 5 यानी 2 × 5 का पावर 2, अतः यह शांत आवृत्ति है। और 77/210, तो 210 का निकालिए, 2 से 2 2 10 20, 1 बचा, 2 5 10, 3 4 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7, तो 210 का क्या काया, 2 × 3 × 5 × 7, अतः यह अशांत आवर्ती है।